हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आम बजट में मध्यम वर्ग मायूस, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है, 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए सरकार ने इस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5G सेवा शुरू करेगी। गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि ITR फाइल करने में और 2 साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुकाकर अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा। देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इनमें से एक बड़ा ऐलान अपडेटेड रिटर्न से जुड़ा है। अब टैक्स पेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे। बता दें कि टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के स्लैब पर किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न का स्लैब जस का तस है, इसमें कोई सीधी रियायत नहीं दी गई है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं ATC में भी कोई छूट नहीं मिली है। मध्यम वर्ग को फिर मायूसी। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से ये अछूता रहा है। ये लगातार 7वां ऐसा बजट था जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है। डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान, इसी साल होगी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी। डिफेंस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा R&D के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को SPV मॉडल के माध्यम से DRDO और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पंजीकृत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा। ये पिछले वित्त वर्ष से 58% से ऊपर है। किसानों के लिए बड़े ऐलान। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों से खरीद दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। डिजिटल करेंसी शुरू करेगी सरकार। निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर 30% की छूट। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। इसके अलावा क्रिप्टो काउंशन का उपहार प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता। खत्म हुई बैंक पोस्ट ऑफिस की दूरियां, पैसे ट्रांसफर से सब कुछ होगा डिजिटल। कोरोना काल में दूसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस पूरी तरह डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM के माध्यम से खातों तक पहुंचेगी। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे। खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी
पीएमई विद्या का होगा 200 चैनलों तक विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ई कंटेंट और ई लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।